हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच में होने वाले 63rd मैच का। अब यहाँ पे बात करते हैं तो आप देखोगे ना, तो दोनों टीमों के लिए ये मैच जीतना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और जो भी टीमें जीतेगा ये ऑलमोस्ट ये क्लियरफाई कर लेगा कि वो जो है अब यहाँ से पहुँच जाएगा क्वालिफायर में। तो ये दोनों टीमों के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी मैच है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मैच है। और यहाँ पर जो भी टीमें एक दूसरे को पछाड़ेगा, वो सारी टीमें जिसको पछाड़ दिया, अगर लखनऊ हार भी जाता है चांसेस रहेगा कि वो जो है क्वालिफाई कर जाए। लेकिन एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा निगल जो है इनको फेस करना पड़ेगा। ये मैच आपको ट्यूसडे को यानी कि कल जो है वो देखने को मिलेगा 16 मई को। टाइमिंग जो होगा 7:30, और मैच जो होने वाला है लखनऊ का, लखनऊ में जो होगा ये होगा आखिरी मैच, यानी कि लखनऊ के वेन्यू पे ये आखिरी मैच जो है वो होने वाला है। तो किस तरीके का हो सकता है उसको डिटेल्स हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को पूरा देखना, अच्छा लगेगा तो लाइक कर लेना। और अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो, चाहते हो कि विनर सेशन एंट्री में बहुत ही अच्छे से प्रॉफिट उठा सको, दीजिए व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पर आपको जुड़ जाना है। साथ में आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो कॉल फ्री सर्च करके, और टीम के लिए वो स्कॉडिंग एंट्री जुड़ सकते हैं जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाता है, और ये चीज़ आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लेते हैं एक बार पिच का, तो पिच पे जो रिसेंट में मैचेस हुए हैं, वैसे देखोगे तो लास्ट मैच काफ़ी दिन पहले हुआ था, यहाँ पे 3 मई को हुआ था, और अभी आप देखोगे तो ये जो है आपको काफ़ी ज़्यादा दिन जो है आपको देने मिल जाएगा, क्योंकि 12-13 दिन का जो है यहाँ पे गैप के बाद ही मैच हो रहा है। अब इस ग्राउंड की हम लोग बात करते हैं तो ऑन पेपर देखोगे तो 150 वाला जो है ये ग्राउंड है, और यहाँ पर अगर हम लास्ट 6 मैचेस देखें तो उस ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा जो है वो एक स्कोर हुआ नहीं है, एक प्रिडिक्टेबल वाला स्कोर जो है आप कहोगे तो बिलो एवरेज इनिंग के जो है वो नीचे रहा है। यहाँ पे देखो तो हमने कि लास्ट मैच में जो है यहाँ पे 126 जो है वो डिफेंड हुआ था, और उसके बाद ही जो यहाँ पे चेन्नई का मैच हुआ उसमें भी काफ़ी लो स्कोरिंग जो है लखनऊ ने बनाया था हालांकि, और उसके बाद से हमें ये देखने को मिला कि उस मैच में जो है वो बारिश आ गया था जिससे वो मैच जो है पूरा नहीं हो पाया। तो पिच जो है काफ़ी स्लो है, और इतना दिन रेस्ट मिला है पिच पर तो हो सकता है कि फ्रेश पिच देखने को मिले, और अगर फ्रेश पिच देखने को मिलता है तो शुरुआत में कठिन होगा किसके लिए, तो जो भी बैटिंग करने आएंगे ओपनिंग में उनके लिए, उसके बाद से धीरे धीरे पीछे आसान हो जाएगा अगर वो फ्रेश रहेगा तो। लेकिन जो स्लोनेस है उसका की मिट्टी में वो जो है हमेशा बरकरार रहेगी, तो इस चीज़ का जो हमें ध्यान रखना है, और इसी के हिसाब से अपने सबको जो है डिज़ाइन करना है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि जो मैचेज अभी तक दोनों टीमों ने खेले हैं यहाँ पे, तो वो किस तरीके से जो आपको देखने को मिला है। तो आप देखोगे तो ये जो है लखनऊ का जो है वो प्लेइंग 11 रहने वाला है, इसमें एक का दुका अगर चेंजेज होता भी है तो आपको आयुष बुधनी जो है वो दिख सकते हैं, एज ए अमित मिश्रा जो है बाहर हो सकते हैं अगर लखनऊ जो है पहले बैटिंग करती है तो, और पहले बैटिंग करते तो अमित मिश्रा रहेंगे और आयुष बुधनी जो है वो इंक्लूड हो जाएंगे, तो ये सीनरी आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो इनका टीम है वो किस तरीके से परफॉर्म किया है, तो रिसेंट की अगर 5 मैचों की हम लोग बात करते हैं तो रिसेंट के 5 मैच में ये 2 हारे हैं, 2 जीते हैं, एक जो है देखोगे तो आपको दिखने लगेगा कि यहाँ पे नॉन एजेंट हो गया था जो कि चेन्नई वाला मैचेज था। अगर हम लखनऊ के मैचेज की बात करते हैं तो लखनऊ के जो है ये 2 मैचेज है जहाँ पर देखोगे तो आपको दिखने मिलेगा कि क्वांटन डिको वहाँ पर खिलाए नहीं गए थे, लेकिन जो पिछला 2 मैचेज था इनका क्वांटन डिको का वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिला। लास्ट मैच में इन्होंने ब्रेक मंकेट को जो है लेके आया था, मंकेट को देखोगे तो 64 रन जो इन्होंने बनाया था, जो कि LSG के जो है काफ़ी ज़्यादा जो है एक एज दे दिया था हैदराबाद में, हैदराबाद के खिलाफ ये सीनरी आपको देने मिलेगा। पूरन की बात करें तो पूरन जो है पिछले कई मैचों से फ्लॉप थे, देखोगे आपको यहाँ पे 3 मैचों से, और लास्ट मैच में एक अच्छा जो है परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला, जो कि हम लोग एंटिसिपेट कर रहे थे, मैंने आपको बताया भी था कि पूरन पिछले 3 मैचेस फेल है, मार्कस एस्टोन ने पिछले 3 मैचेस फेल है, तो एक अच्छा सीनरी देखने को मिल सकता है जो कि दोनों बैट्समैन के द्वारा जो है देखने को मिला। काइल मैच का देखोगे तो लास्ट मैच में जब परफॉर्मेंस आया था तो मैंने बोला था कि आपको ड्रॉप करके जो है वो जाना है, तो अभी जो परफॉर्मेंस नहीं आया है आप चाहो तो 1 मैच और ड्रॉप कर सकते हैं या फिर जो है वो लेके जा सकते हो अगले मैच के लिए, ऐसा सीनरी आपको देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे जो है पोस्टोनिस को इस ग्राउंड पे जो है फेवरेबल हो सकते ले सकते हो, और यहाँ पे क्वांटन डिकॉक और अगर हम लोग निकोलस पुरन की बात करें तो आप दोनों में से किसी एक को ही पिक करना है, अगर आप निकोलस पुरन ले रहे हो क्वांटन डिकॉक को जो है छोड़ देना, और डिकॉक को ले रहे हो पुरन को जो है छोड़ देना। कुणाल पांड्या की बात करते हैं, लास्ट मैच में बताया था कि पिछले 2 मैचों से कुणाल पांड्या का 0-0 जो है वो रहा है हर चीज़ में, तो लास्ट मैच में है कुछ रन जो विकेट भी देखने को मिल सकता है, विकेट 2 मिल गया जो कि 50 पॉइंट के आसपास मिल जाता है, तो एक अच्छा सीनरी आपको यहाँ पे कह सकते हो। इसके अलावा बात करते हैं आप बॉलिंग डिपार्टमेंट इनका, तो अभी के लिए सीनरी में आप किसको जो है प्रीफर कर सकते हो, अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ब्रेक मैनकेट का, तो ये जो है लास्ट मैच में इनका परफॉर्मेंस आया हुआ है, जरूरी नहीं कि रेगुलर जो है परफॉर्मेंस देते रहेंगे, लेकिन आप पिक करना चाह सकते हो। यहाँ से मैंने बताया कि आपको एक प्लेयर जो है पिक करना है, काइल मेयर्स को जो है आप रिस्की प्लेयर एज ले सकते हो, और कुणाल का जो है लास्ट मैच में यहाँ पे विकेट जो है आया था, रन नहीं आया था, लेकिन आप चाहो तो प्रीफर कर सकते हो। और अभी के सीनरी में मार्कस एस्टोनिस जो है इस ग्राउंड पर विकेट मिलने के चांसेस बन सकता है, तो इसलिए जो मैं कह रहा हूँ प्रीफर करने के लिए। और बाकी अगर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आगे बॉलिंग में, तो बॉलिंग में देखोगे तो जिस तरह का ये बॉलिंग सीरीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा उसमें देखोगे तो लास्ट मैच की बात करते यश ठाकुर के विकेट मिला था, बिश्नोई को कोई विकेट नहीं मिला था, और इसके अलावा आवेश खान को एक मिला था, इसके अलावा देखो तो अमित मिश्रा को एक मिला था, और इंद्रजीत सिंह को जो है एक विकेट मिला था। तो पिछले अगर 3 मैचों की हम लोग बात करते हैं तो पिछले 3 मैचों में एक तो नॉन रिजल्ट हो गया था, उसके बाद देखोगे तो आपको कि
पिछले दो मैचों से जो है यहाँ पे रवि बिश्नोई को कोई विकेट नहीं मिल रहा है, और जिस तरह का पिच है रवि बिश्नोई के चांसेस यहाँ पे बढ़ सकते हैं। साथ में हम लोग फास्ट बॉलर को जो है यहाँ पे इंक्लूड करके चलेंगे जो भी पहले बॉलिंग करने आएगा, क्योंकि अगर फ्रेश पिच मिलता है, अगर पहले बॉलिंग करने को मिल जाता है फ्रेश पिच पर जो है विकेट जा सकता है। तो उसी में हम लोग जो है यजवीर सिंह को और यश ठाकुर को जो है ये भी जो है वो लेके जा सकते हैं, तो इसी का आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करते हैं एक बार कि जो मुंबई का प्लेइंग 11 है वो तो ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है, कोई ज़्यादा चेंजेस जो आपको दिखने नहीं मिलेगा, एका दुका चेंजेस जो यहाँ लगे करते ही रहते हैं। लास्ट मैच में इसमें बिश्नोई विनोद को जो है लेकर आए थे जो कि एक अच्छा परफॉर्मेंस जो आपको देखने को मिला, इसके अलावा कार्तिकेय को भी जो है वो इंक्लूड किया गया था। अब हम बात करते थे यहाँ पे कि जो इनका परफॉर्मेंस रहा है लास्ट मैच का वो किस तरीके से रहा था। देखो लास्ट आप छः मैचों की हम लोग बात करें, चार मैच जो जीते हैं, दो मैच जो हारे हैं, एक अहमदाबाद में हारे थे और एक चेन्नई में हारे थे। उसके अलावा देखो मुंबई में तो है ये तीन मैच जो है जीते हैं और एक मैच जो मोहाली में जीते थे। तो अब यहाँ पे लखनऊ पे जो है इनका रियल टेस्ट होगा किस तरह का परफॉर्मेंस आपको देखने मिल सकता है। तो पिछले अगर कोई छः मैचेस देखोगे तो रोहित शर्मा का जो है वो ये स्कोर रहा है 2-3-0-0-7-29, और यही हम लोग बात करते हैं ईशान किशन का। ईशान किशन का जो है परफॉर्मेंस थोड़ा सा ठीक जरूर रहा है बीच बीच में, तो एक यहाँ पर छोटा सा परफॉर्मेंस आया तो एक बड़ा परफॉर्मेंस जो है आप उम्मीद कर सकते हो, लेकिन जिस तरह का पिच है थोड़ा सा सीनरी जो है वो आपको यहाँ पे अलग देखने को मिलेगा। सुन कुमार यादव की बात करें, इनका परफॉर्मेंस अगर कंटिन्यूस रहता है तो आप पिक करके जा सकते हो, लेकिन एक बड़ा स्कोर आने के बाद जो कि दो लगातार बड़ा स्कोर आया है, हम लोग एंटीपेट कर सकते हैं कि अब हो सकता है शायद एक दो मैसेज जो है वो नहीं आ सकता एक अच्छा स्कोर, लेकिन उसी सीनरी में आप लेके जो है जा सकते हो। टीम टेबल का जो है पिछले चार मैचों से कोई भी बड़ा जो है वो स्कोर नहीं आया है, एंटीसिपेट हम लोग कर सकते हैं कि अगर ऊपर से विकेट जल्दी से गिरेगा तो चांसेस आ सकता है टीम डेविड पे जो है वो रन बनाने का। इसके अलावा बिश्नोई विनोद की बात करते हैं तो लास्ट मैच में उन्होंने 30 जरूर बनाया था, उसके बाद से आप जो है आप इन पे रिस्क लेने चाहते जा सकते हो। नेहल की बात करते हैं तो नेहल का देखोगे तो पिछले कुछ मैचों अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, लास्ट मैच में हालांकि फ्लॉप रहे थे, तो अभी के लिए जो है सीरीज में आप पिक करके जा सकते हो। क्रिस ग्रीन पिछले चार पाँच मैचों सब देखोगे तो काफ़ी फ्लॉप रहे हैं, तो हम लोग जो है वो अगर आप लेके ऐसे जाना चाहते हो कि एज ए जो है आपको रिस्की प्लेयर, तो आप क्रिस ग्रीन को जो है वो काउंट कर सकते हो जो दो तीन हम लोग रिस्की प्लेयर लेंगे उसमें से। इस तरह तिलक वर्मा जो है वो भी पिछले तीन मैचों से नहीं खेल रहे हैं, अगर रियर रहते हैं तो इनको भी हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन अभी जब इंजरी से आएंगे तो हम लोग एक दो मैच ड्रॉप करके जा सकते हैं। विकेट की बात करते हैं तो लास्ट मैच जो है मुंबई के लिए काफ़ी यूजफुल रहा, आप देखोगे बॉलिंग में तो बॉलिंग इनका काफ़ी इंपैक्टफुल रहा, आकाश मेडवाल को तीन विकेट था, कुमार कार्तिकेय को दो था, और यहाँ पे देखोगे तो आपको जो है पीयूष चावला को दो विकेट मिला। इसलिए बात करते हैं इस ग्राउंड पे जिस तरह का लखनऊ ग्राउंड होने वाला है उस ग्राउंड पे जो है ये तीनों बॉलर जो है आपको यूजफुल हो सकते हैं, साथ में आपको क्रिस जॉर्डन और जेसन बेरेडॉफ जो है ये भी जो है यूजफुल होते हुए नजर आ सकते हैं। तो ऐसे सीनरी पे आप इनको जो है यहाँ पे लेके जा सकते हो, तो ये सीनरी आपको जो है देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो हमने टीम डिसाइड किया है कि टीम जो है किस तरीके से लेके चला है, तो यहाँ देखोगे तो टीम में हमने जो है ईशान किशन को लिया है, पूरन को लिया है, और अगर पूरन को लिया है तो डिको को जैसे मैंने बोला था कि वो जो है हमें ड्रॉप कर देना है, या फिर पूरन की जगह डिको को जो है पुक कर जा सकते हो। इस अलावा बात करते हैं यहाँ पे बैटिंग की, तो बैटिंग में हमने जो लिया है वो लिया है काइल मेयर्स को, टीम डेविड को, और नेहल को जो हमने पिक कर रखा है। अभी सीनरी में सूर्य कुमार यादव को जो हमने ड्रॉप कर रखा है, और रोहित शर्मा को जो है ड्रॉप कर रखा है। इस अलावा बात करते हैं यहाँ पे, तो अगर देखो आप लेना चाहते हो तो काइल मेयर्स जगह जो है आप सूर्य कुमार यादव को लेकर जा सकते हो, या फिर टीम डेविड की जगह जो है पिक कर सकते हैं। इसलिए बात करते हैं क्रिस ग्रीन को, तो क्रिस ग्रीन को जो है यहाँ पर ले रखा हमने, और ऑस्टोनिस को जो है ले रखा, और ऑस्टोनिस को जो है कैप्टन भी बना रखा है कि पिछले जिस तरह का सीनरी चल रहा है थोड़ा अच्छा स्कोर जो हम लोग परफॉर्म जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बॉलिंग की बात करते हैं, बॉलिंग यहाँ पर मैंने चार लिया है जिसमें से स्पिनर आप देखोगे तो चावला है, इसके अलावा जो है रवि बिश्नोई, इस अलावा जो है मिश्रा जी, और इसके अलावा जो है आपको यजवीर सिंह, तो ये जो है हमारे लिए अभी बॉलर है। इसके अलावा जो फास्ट बॉलर हैं इनको भी हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे क्रिस जॉर्डन हो गए, जेसन बेरेडॉफ हो गए, तो वैसे सीनरी पर जो हम लोग इंक्लूड करके जा सकते हैं। तो इस चीज़ का जो हमें ध्यान रखना है कि ऐसा सीनरी हमें देखने को मिल सकता है, और ये सीनरी जो है आपको अप्लाई होते हुए जो है नज़र आ सकता है। इसके अलावा जो है अभी तक आप मुझसे नए जुड़े हो तो ये जो है व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पे आपको विनर से रिलेटेड साइज देखने को मिल जाता है, साथ में आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो कॉर्पोरेट सर्च करके, और डीमेल लिंक पर स्पॉर्डिंग लिंक पर जुड़ सकते हो जहाँ पे आपको विनर सेशन एंट्री के अलावा बाकी सारी चीज़ें जो है देखने को मिल जाती है। तो मिलते हैं आप सभी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन क्लिक कर लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा।